व्हाट्सएप एवरीबॉडी, दिस इज हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीन आज का कुछ ऐसा है कि आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में हमने अर्बन क्रूजर की डिलीवरी ली थी। उस अर्बन क्रूजर के अंदर आज हम फ्लोरिंग का काम करवाने वाले हैं। वो काम कैसे होगा, किस प्राइस का होगा, मैं डेफिनेटली आपको वो भी बताऊंगा, और कहां से काम करा रहे हैं मैं इस बार वो भी आपको डिटेल में बता दूंगा अगर सामने वाले से परमिशन मिली तो। वैसे तो जो लास्ट टाइम जो तरुण की गाड़ी में सामान लगा था बता सकता था क्या लगा था, लेकिन उस दिन तक जल्दबाजी में सब कुछ हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं पाया कि इग्निशन सिस्टम वगैरह कैसा लगा था। लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कभी जब तरुण मेरे को मिलेगा तो मैं उसको सारी डिटेल ले लूँगा कि उन्होंने क्या क्या लगवाया था, मैं आपको बता दूंगा उसका प्राइस कि कितने कितने का क्या क्या सामान पड़ा था, आप कैलकुलेट करके बता देना। फिलहाल आज तो सीन ये है कि आज हम करवाने वाले अर्बन क्रूजर का काम। चलिए चलते हैं सीधा अपने जीजू के पास क्योंकि वो मेरा बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आया था बैंक, वही काम जो मेरा पहले नहीं हो पाया था अब कर रहा हूँ। यहाँ पे काफी शोर हो रहा है क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम पे छतरपुर में। सामने मेरे है कावासाकी, यहाँ पे भी जल्द आएंगे हम, बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो मेरा काम था वो होपफुली यहाँ पे हो जाएगा तो बढ़िया है। मैं जो काम करने के लिए आ रखा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर रही बल्ले। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आया हूँ इस वाली बाइक पे, ये वाली बाइक मतलब मेरे जीजू की है, मज़ा आ गया इसको चलाने में यार। ये वो बाइक थी जो मैं लेने के लिए बोल रहा था लेकिन मेरे पापा को नहीं पसंद क्योंकि पापा को छोटी बाइक ज़्यादा नहीं पसंद, लंबी है वैसे तो ये लेकिन हाइट में छोटी है। मुझे अगर बुलेट में और इसमें चॉइस दोगे तो हमेशा मैं इसको पिक करूँगा। बुलेट मुझे ज़्यादा खास नहीं पसंद, मेरे फादर को बुलेट पसंद है और हो सकता है कि हमारी दूसरी बाइक है वो बुलेट ही आए। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने मास्क भी पहना हुआ और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। भाई इतनी देर से हम खड़े हुए थे, बताओ हमें पहले नहीं पता था यहाँ डिपॉजिट मशीन भी है, हम पैसे डिपॉजिट करने आए थे। बताओ यार ऐसे ना किया करो, बता दिया करो यार, बैंक वालों से ही दिक्कत है, बताते नहीं है, बहुत लेट बताते हैं। हमने 15-20 मिनट वेट किया, हमारा टाइम बच जाता है ना। ये सैमी वीडियो नहीं बनाऊं आपकी, मैं क्यों नहीं खा जाऊंगा तेरे को मैं सैमी, आज खा जाऊंगा मैं, खा जाऊं तेरे को। थोड़ा सा आगे आ दे, खा गया। गाइस मैं अपने घर की ओर जा रहा था, ये मेरे घर का ही रास्ता है। अब सीन कुछ ऐसा है कि ये बाइक बंद हो गई है। पहले मुझे लगा कि शायद इसका पेट्रोल खत्म हो गया लेकिन पेट्रोल का अभी एक पॉइंट तो है, ये पेट्रोल का एक पॉइंट दिखा रहा है तो पेट्रोल तो कम नहीं होगा इसके अंदर। ये कुछ और रीज़न है कि बंद हो गई है, पुरानी हो गई है लगता है। आज मुझे अपनी वाली याद आ रही है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं रहनी चाहिए थी वो शायद। अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। देखता हूँ, वैसे यहाँ पास में हाथ से हाथ 1 किलोमीटर दूर होगा पेट्रोल पम्प, या तो मैं खींच के वहाँ तक ले जाता हूँ पेट्रोल डाल के, देखता हूँ चल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर हो गए हमारे दही बल्ले। गाइस देखो मैं यहाँ तक तो खींच के ले आया हूँ इसको पेट्रोल पंप तक, अब मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ, होपफुली चल जाए। अपनी वाली बड़ी याद आ रही है तो बेकार हो गई है बिल्कुल, पुरानी सी आ गया। चलो ट्राई मारते हैं इसका, स्टार्ट तो हो गई है मस्त। इसका मतलब एक पॉइंट का मतलब है इसमें खाली, और एक दो पॉइंट मतलब पेट्रोल है, ध्यान रखना पड़ेगा। इस बाइक में एक पॉइंट का मतलब एम्प्टी होता, पता था क्यों नहीं है मेरे को तुम? कौन कह रहा है एम्प्टी हुआ है, बाहर तो घुमाता रिजर्व पाया थी, रिजर्व थोड़ी आई और मैंने चल रही। रिजर्व पे कैसे आती है, वहां घुमाता बस। मैं सही बताऊं इसमें पानी भी घुस रहा है, पानी मतलब ही ना, साइड में बहुत सारा पानी जमा आ रहा है, वो हो जाएगा कभी कभी हो, बहुत सारा अंदर गिर रहा है पानी टंकी में, उससे कुछ ना हो। सुना, हमारी जो बाइक ही होती है ना उनमें ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं क्योंकि अब जो नई बाइक है उनमें नहीं आता ऐसा ऑप्शन। तो भैया और हम चलाते थे स्पोर्ट्स बाइक, हमें क्या पता हमें खटारा चलानी पड़ेगी पुराना। ये अगर ये दिन देखने थे तो मैं तो बेचता क्यों फिर, बेच क्यों बेची,
अगर सीन अभी का कुछ ऐसा है कि जो आपको मैंने अर्बन क्रूजर वाली बात बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें थोड़ा सा इशू ये आया कि जब मैं जीजा जी के पास गया तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, कहा कि यार नई गाड़ी में काम छिड़वाना सही नहीं होगा, मतलब कुछ दिक्कत आ जाए या फिर अपनी गाड़ी को नई नई गाड़ी है उसकी डिलीवरी हुई अभी 2 या 3 दिन ही हुए हैं और इस दौरान अगर आप गाड़ी को खुलवा देते हैं तो यार कितना गंदा लगता है ना, जैसे कि तुमने गाड़ी में हमने नई गाड़ी में काम कराया तो कितना अजीब लग रहा था। तो वही सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमारा वो कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर हमने अपना काम किया, जो बैंक का काम जो मेरा 2-3 दिन से रुका हुआ था वो किया। उसके बाद मैं घर आया और घर आते आते मेरी ना बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जबकि बाइक में 1 पॉइंट दिखा रहा था और मेरे घर के इतने ज़्यादा पास खत्म हुआ मैं बता नहीं सकता, और मुझे लगा सो पेट्रोल है वो रिजर्व पे भी नहीं गई। चलो कोई नहीं, उसके बाद मैं फिर आगे लेके गया, उसको बड़ी मेहनत लगी, पसीने पसीना हो गया, पूरा 1 किलोमीटर तक उसको खींचता हुआ लेके गया। एक्चुअल में एक्सट्रीम का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। फिर उसको लेके अब मैं अपने घर आया, थोड़ी सी हालत बुरी थी, गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मैंने अपनी नई बाइक को सेल किया है और ये चला रहा हूँ मैं, जबकि मैंने पापा को बोला था कि इसे बेच देते हैं उसको रख लेते हैं, लेकिन नहीं, पापा को वो चलानी नहीं थी, ये चलानी थी। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो अमीरी, आजकल लोग दूध लेने के लिए भी गाड़ियों में निकलते हैं, वो भी कौन से इग्निस, हाँ इग्निस वाले भैया सही कह रहे हैं हम, हाँ सोचा लेके आता हूँ वो भी गाड़ी में, वाह भाई वाह, हमारे इतने बस की नहीं है, हम तो भाई पैदल चले जाते हैं या फिर पापा से ज्यादा होता है एक बाइक मांग लेते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते। ये देखो पर्सनल गाड़ी है भाई के पास दूध लाने के लिए, घूमने का बहाना चाहिए बस। तो गाइस अभी हम आए हैं कैलाश कॉलोनी में, काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम अपना बेसिकली घूमने फिरने आते हैं, पार्टी वगैरह करने आते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। तरुण यहाँ से ले रहा है दूध, उसके बाद मतलब सीन ये था कि तरुण की गाड़ी चल नहीं रही ना काफ़ी दिन हो गए, तो इसको चलाना था, तो इसलिए चलाने के लिए हम कैलाश कॉलोनी आ गए, थोड़ा घूम फिर रहे हैं ताकि सी गाड़ी रन हो जाए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा ही गाइस कि मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन वाली मूवी देख रहा हूँ, डोंट लुक अप, मैं बता रहा हूँ आपको जरूर देखनी चाहिए, डार्क कॉमेडी है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था डार्क कॉमेडी, मेरे को मतलब पहले तो समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे मूवी खत्म हुई मतलब समझ में आया कि डार्क कॉमेडी क्या होती है, और उसके बाद जो मैं मूवी को एंजॉय करने लगा, मतलब एक नंबर, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छा है, मतलब कॉमन टॉपिक है, दुनिया तबाह होने वाली है, 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने ये पता लगा लिया है, अब वो मतलब लोगों को बता रहे हैं लेकिन लोग अपने स्वार्थ में क्या काम कर रहे हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट होते हैं वो आपसे मिलती नहीं है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है उसमें, और डार्क कॉमेडी मतलब सीरियस सिचुएशन में भी इंसान जोक मार रहा है। अगर आपने अभी तक ये वाली मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए, और देख लिया तो बहुत ही बढ़िया मूवी, जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, आपको मेरे से मज़ा आया है नहीं आया। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।